जी, जिस शहर से मैं रोड शो करके आया हूँ और मेरठ में आया हूँ, दोनों ही स्मार्ट सिटी हैं जी। सरकार को बताना चाहिए कि स्मार्ट सिटी में उन्होंने क्या काम किया है, जो स्मार्ट सिटी के मानक हैं, क्या ये दोनों शहर उसमें खड़े उतर रहे हैं जी। दोनों मेयर सीटें हैं, हालांकि पिछली बार वहाँ बीएसपी का था, उससे पहले भाजपा रही है, पिछली दो बार से भाजपा ही की सरकार बन रही है। वो बताएं कि जनता की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या उन्होंने तैयार किया है, आम लोगों की शिक्षा के लिए क्या इंतजाम किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या इंतजाम किया है, और सबसे महत्वपूर्ण है क्या नालियां साफ सुथरी हैं, क्या कूड़े का डिस्पोजल ठीक हो गया। लग तो ऐसा रहा है कि जब से बीजेपी आई है सब नाले नदियों को लेकर के सीधा गंगा में गंदगी डाल रहे हैं। 17 निकाय हैं, कितने जीतेंगे आप? पहले तो स्मार्ट सिटी पे बात कर लो, क्योंकि स्मार्ट सिटी पे अगर बात नहीं करोगे तो बीजेपी का भ्रष्टाचार कैसे पता लगेगा। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा, वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें, या सुविधाएं दी कि नहीं दी। और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब क्या है? अपना झूठ सच हो जाए उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी हायर कर ली, डेलॉयट, 200 करोड़ रुपए से दे रहे हैं। मीडिया के लोग सच ना दिखाएं, उनके लिए भी बड़ा पैकेज, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। योगी जी कह रहे हैं तमंचावादी पार्टी है। भाई योगी जी का तो हम इतना ही मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत हैं। अभी अलीगढ़ में तालीम की बात करके आए थे, और तालीम आपने ANI पे सुनी होगी, ANI में बताया होगा आपको। और फिर परिवारवाद की बात है, अरे योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में उस स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के लोग ये ना भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनके परिवार के लोग ना बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार पे परिवार की वजह से ना बैठ पाते। और फिर सोनिया गांधी कह रही है कि डकैती डाल जैसे मेरठ में आई है, मेरठ जैसा शहर है, सरकार बताए कि कितना टन प्रतिदिन कूड़ा निकलता होगा, इस कूड़े का डिस्पोजल क्या है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम क्या, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी है। बीजेपी बताए उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए क्या किया है। भैया सोनिया गांधी कह रही है डकैती डालकर आए हैं सत्ता में बीजेपी, नहीं क्योंकि बीजेपी वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं है। कभी अखबारों में किसी के भ्रष्टाचार का एड नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग और 40% का कमीशन, कर्नाटक में एड निकला इनका अखबार में, सोचिए आप। और यूपी में जो बजट 30% सड़क का खर्च कर पाए हो, मेडिकल की सुविधाएं न दे पाए हो, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एडिशनल ऑफिसर कितने हैं, और जो टेक्निकल स्टाफ है वो कितना है। तो जब नहीं पता है मुख्यमंत्री जी को कि असिस्टेंट ऑफिसर कितने होने चाहिए, एडिशनल ऑफिसर कितने होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ नहीं, तो वो तमंचे की बात करेंगे और क्या बात करेंगे। उनसे कहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बोला तमंचा, बोला नाली गंदी है, बोला तमंचा, वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा, वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, BOD COD डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका ज्यादा है, तो बोले तमंचा। भैया 17 नगर निगम है कितने इस बार? समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है इस बार मेरठ में। अभी तक सपा मेयर नहीं बना है, अब की बार मुझे लगता है कि इस बार मेरठ की जनता समाजवादियों को आशीर्वाद देने जा रही है। महिला पहलवान देखिए उन्हें न्याय मिले, और ये बीजेपी की जिम्मेदारी उन्हें न्याय दिलाने की। बीजेपी गिरफ्तार नहीं कर रही, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार न्याय मिलेगा, और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए।